क्या बात, आपने बुलाया मुझे? શું છે? ये तस्वीर एक सच है, लेकिन इस तस्वीर को देखकर आप सब लोगों के मन में जो चल रहा है वो गलत है। गोड़ गोड़ बात मत कर, क्या खरा है ने क्या खोटा साफ साफ बता। मैं संतू को पहले से जानता था, धर्मपुर के मेले में अपने प्रोजेक्ट के लिए आया था। पची? और संतू से उसी मेले में मिला था जहां पर उसके किए की सजा आपने उसके नाना जी को दी थी। पची? सच यह है कि ये वही लड़की है जिसका जिक्र मैंने आपसे किया था जब मैं सगाई के लिए आया था खुड़िया माँ के कुएं के पास। मैंने जिस लड़की के बारे में आपसे बात की थी वो संतू ही। मैं एक लड़की से प्यार करता था, हालांकि हम दोनों का रिश्ता कभी जुड़ नहीं पाया। रिश्ता जुड़ना तो दूर, मैं उसे कभी दिल की बात भी नहीं कह पाया कि मैं उसे प्यार करता। समझी क्यों? पची? मैंने अपने अतीत के बारे में आपको सब कुछ बता दिया था, क्योंकि आपकी बेटी के साथ मेरा भविष्य का रिश्ता जुड़ने वाला था और बेटी के पिता को सब कुछ पता होना चाहिए, उन्हें अधिकार है सच जानने का। लेकिन मैंने आपको उस लड़की का नाम नहीं बताया था। क्योंकि मुझे पता था उसकी शादी हो गई और मैं नहीं चाहता था कि एक शादीशुदा लड़की का नाम बदनाम हो। लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि उसकी शादी आपसे हुई। हाँ, यह सच है कि मेरे मन में संतू के लिए भावनाएं थी, लेकिन वो एक तरफा थी। उसके मन में मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं था। संतू को तो तब भी इस बारे में कुछ नहीं पता था जब मेरी कादंबरी से सगाई हुई थी। आपको पता है, संतू को आज तक ये नहीं पता कि प्यार क्या, जज्बात क्या। एक दोहित्री, एक माँ, एक बेटी, एक बहन, इन सब रिश्तों के अलावा वो अगर किसी रिश्ते को जानती है तो वो है अपने मालिक के साथ का रिश्ता। ये जो तस्वीर है ये मेरा अतीत है, संतू का नहीं। और इसे दफनाने का रास्ता भी मुझे संतू नहीं दिखा। एक सच और भी है जो ना तो मैंने आपको बताया और ना ही संतू ने। आप सब लोग जानते हैं कि मैं शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, लेकिन तैयार हुआ केवल संतू के प्रयास की वजह से। जो आदमी अपने ससुर और अपनी पत्नी के सामने खड़ा होकर अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच कबूल कर सकता है, वही आदमी आज किसी भी चीज की कसम खाकर कह रहा है। कादंबरी से रिश्ता जुड़ने के बाद मैंने केवल उसे ही चाहा, केवल उसी से रिश्ता रखा। मैं कादंबरी के साथ खुश हूं अंकल, लेकिन मुझे अफसोस हो रहा है कि जिसे मैंने अपना अच्छा दोस्त माना उसके लिए अब भी मैं अजनबी हूं। मुझे मलाल इस बात का नहीं है कि आप मुझसे ये सब बातें पूछ रहे हैं, आपको हक है सब कुछ जानने का, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का हो रहा है कि कादंबरी ने यह बात पूछकर एक पत्नी होने का अधिकार नहीं जताया। एक पति पत्नी का रिश्ता सात फेरे लेने से नहीं, विश्वास से बनता है। तुमने मुझ पर तो विश्वास नहीं किया, लेकिन संतू पर भी विश्वास नहीं किया। मैं ये शादी कभी नहीं करता, खासकर तब जब मुझे पता चला कि संतू की शादी धर्मपुर के मालिक से हुई है। मैं संतू को अपने मन की बात बताने गया था, लेकिन उसी दिन उसने मुझसे विनती की तुमसे शादी करने की। कादंबरी, मैं तुमसे इस बारे में बात करना चाहता था और मैं आया भी था, लेकिन तुमने मुझे यह कहकर रोक दिया कि तुम्हारे लिए हमारा वर्तमान और भविष्य मायने रखता है, तुम मेरे अतीत के बारे में कुछ नहीं जानना चाहती, कुछ नहीं सुनना चाहती।
जिस दिन संतू ने तुम्हारा कन्यादान किया उसी दिन फेरों की आग में मेरे अतीत के सारे पन्ने उसी वक्त भस्म हो गए। मैं कह रहा हूं तुमसे संतू निर्दोष है। फिर उसने डिवोर्स पेपर्स पर क्यों साइन किए? संतू वो नहीं जो घर की लक्ष्मी बनकर पूजना पसंद करे, वो घर के दिए की बत्ती की तरह जलने वालों में से। मुझे इस डिवोर्स के बारे में पहले से पता था, लेकिन संतू ने मुझसे वचन लिया था कि मैं इस बारे में किसी से कुछ बात ना करूं, क्योंकि वो इस घर की, हितेन की, खेमी की, सबकी खुशियों को देखना चाहती थी। सच को देखने के लिए आंखों का होना जरूरी होता है, पर सच को समझने के लिए मन की कसौटी का। इस तस्वीर के बारे में और इसके पीछे छिपे सच के बारे में मां भी सब कुछ जानती है। हां कादम्बरी, यहां हो जरा, चलने चलने आओ। अच्छे लिख रहा मानेगी हो तने? मैं सोचता था कि मैं नसीब वाला हूं, पर मुझसे ज्यादा तो मेरी डिग्री नसीब वाली है कि तुझ जैसा पति मिला उसे। वो बोलते ना कि हमेशा आंखों देखी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए, तूने आज साबित कर दिया। गर्व है मुझे तुझ पर कि तू रिश्तों के सच को समझता है, मैंने उनकी गरिमा को कैसे बांधे रखना ये भी खबर है तुझे। पहले खुश था मैं कि मेरे दोस्त के बेटे के साथ मेरी बेटी की शादी हुई है, पर आज अभिमान है मुझे कि मैंने अपनी डिग्री तुझको सौंपी। अने सारू थयू कि तूने ये फोटो मेरे हाथ में दिया, नहीं तर कदाच मैं ये कागज पे सही कर दिया होता। अबे मेरे मन में तो कोई आशंका है नहीं, तेरे मन में कोई प्रश्न हुए तो पूछ ले, चल फटाफट। मैं विश्वास से बोलता हूं ये खरा उत्तर देगा, चल पूछ। क्या कहीं? मुझे माफ कर दो शशांक, चल तुम्हारा साथ है। कहाँ? अरे चल ले, चलो।